और आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि आज ही के दिन 3 अप्रैल, ये जो डेट है ये हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे क्या बोलते हैं ट्रेजिक डेट डेट जो है तुम मान सकते, क्योंकि 3 अप्रैल 1325 में जो है हज़रत निजामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जी का जो है इंतकाल हुआ था आज ही के दिन 3 अप्रैल को। और 3 अप्रैल का ही वो दिन था जब 3 अप्रैल 1680 में जो है मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज जो अखंड हिंदुस्तान। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए और बेहतरीन ब्लॉग में। तो बहुत ही शानदार तरीके से कल 23वीं शब जो है जागने के बाद अपन आज सुबह को वापस आए शॉप को, ज़रा देर भी आज अनफॉर्चुनेटली क्योंकि चाची को लेके आ रहा था मैं गाड़ी में और गाड़ी नहीं मिलने की वजह से देर भी। तो फिर आज 23वां रोज़ा है, अभी सिर्फ जो है 7 रोज़े जो है बचे। लाइटा का ज़रा प्रॉब्लम दे रहा, आज बुधवार का दिन है और सोलापुर में लाइटा नहीं जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो सुबह से जो है गिरे की गर्दी है बोलते, माशाल्लाह आज बुधवार रहने की वजह से अलग फजल से भले ही अपना ईद की बाज़ार के लिए लोग नहीं आ रहे, लेकिन अभी जो है शादियाँ के बाज़ार के लिए, फिर उसके बाद जो है अभी 14 तारीख को जो है भीम जयंती है उसके लिए, और उसके बाद जो है पाड़वा भी है 12-13 9 तारीख को, तो उसके लिए भी जो है लोग आ रहे। तो चलिए देखते हैं क्या होता, बहुत ही अच्छी तरीके से दिन जाने वाला लगने के मुझे आज का भी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को और देखते हैं आगे क्या होता। चलो भाई, जोहर का वक्त वेला है, हमारे मुर्तुज भाई और हमारे बागवान भाई लेके चलिए अपने मस्जिद को। हाँ जी, चलो हाँ जी, चलो चलो देखेंगे बोलते किस प्रकार से होता आज का दिन। यार धूप तो बहुत है साला, वही तो टाइम समझ में नहीं आ रहा यार, यहाँ बहुत अवगढ़ वेला। चलो भाई लोग, अपने तोगराड़ी गाँव के मेंबर साहब उप सरपंच और हमारे इमरान भाई पटेल कपड़े लेने आई यहाँ लीलन में, हमारे शाहरुख भाई दिखा रहे हैं उनको माशाल्लाह तरीके से, उनकी बेटी की जो है शादी है माशाल्लाह ईद के बाद है नहीं, तो उसी की जो है शॉपिंग कर रहे। रमजान का हवा लगते पहला चा, हाँ चलो एक शिवड़ को एक दिखा रहे शाहरुख भाई उनको कपड़े। आज बुधवार है तो थोड़ी बहुत गर्दी देखने मिल रही है, हमारे बिल्डर भी दिखा रहे, अमर भाई हैं, पटेल हैं, अरफात है काम करने के जोर में, मुर्तुज भाई हैं, सब अच्छी तरीके से चल रहा है। देखेंगे बोलते अभी जतरा भी आने के इनके गाँव का जतरा है नहीं जी, 28 तारीख को क्या 25, 26, 27 इंशाल्लाह जतरे को भी आएंगे। तो 2 साल से रमजान में चाहने की थी, अभी भाई रहेगा तो अच्छा है, निवान्त होता है। चलो तो फिर चलो भाई लोग, बहुत ही शानदार तरीके से मक्का मस्जिद में असर की नमाज पढ़े, 6 बजे ले अभी दुकान में गर्दी नहीं है बोल के मैं बोला चलो यहाँ थोड़ा देर बैठेंगे आराम करेंगे। मामू जान जो है आज भी नहीं है, सही मामू जान कल आएंगे निवान। तो फिर चलो देखते क्या होता, अभी शॉप की तरफ जाएंगे अपन है कि नहीं, बहुत ज़्यादा काम बाकी है, लाइट का भी प्रॉब्लम चालू है। तो फिर चलो भाई, आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, आज के दिन जो है बुधवार था आखिरी रमजान मुबारक का, और आज ही के दिन जो है लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। मामू जान जो है आज रात को पहुँचेंगे सोलापुर में, कल जो है उन्होंने आएंगे दुकान में, उन्होंने नहीं रहे तो दुकान में रौनक नहीं रहती, बहुत आलस लगता सब जने में, ऐसा स्पार्क नहीं दिखती। और आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज ही के दिन 3 अप्रैल, ये जो डेट है ये हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे क्या बोलते हैं ट्रेजिक डेट डेट जो है तुम मान सकते, क्योंकि 3 अप्रैल 1325 में जो है हज़रत निजामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जी का जो है इंतकाल हुआ था आज ही के दिन 3 अप्रैल को। और 3 अप्रैल का ही वो दिन था जब 3 अप्रैल 1680 में जो है मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज जो अखंड हिंदुस्तान के दैवत हैं, जिनको जो है बहुत ज़्यादा माना जाता है पूरे हिंदुस्तान में, उनका भी जो है इंतकाल आज ही के दिन हुआ था। तो आज की ये जो तारीख है 3 अप्रैल की, ये बहुत ही काली तारीख है, बहुत ही गमगीन तारीख है, जिसमें जो है हिंदुस्तान के 2 मशहूर शख्सियतों को जो है हमने खोया था। तो अल्लाह जो है उन दोनों को भी जो है जन्नत नसीब अता फरमाए, दोनों ने ही जो है अपने अपने फील्ड में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, दोनों ने ही जो है हिंदुस्तान का नाम जो है पूरे दुनिया में रोशन किया है। तो अल्लाह उन दोनों को ही जो है जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब अता फरमाए। तो फिर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है कि नहीं, बहुत ही बेहतरीन दिन गया आज का, अभी निकलने का वक्त हुआ अपना, चलिए निकलेंगे बोलते अभी। चलो भाई लोग, वक्त हुआ थोड़े प्याज के समोसे ले सोए, मामू आज शाम को आने वाले अभी वापस, तो देखते किस प्रकार से होता सब कुछ है क्या नहीं। मीना बाज़ार में तो गर्दी देखने के लिए मिल रही, बहुत ज़्यादा गर्दी है, पब्लिक एकदम उमड़ उमड़ कर जो है बाहर आ रही मीना बाज़ार में, भरपूर हर चीज़ के लिए जो है पब्लिक यहाँ पर आ रही माशाल्लाह।
औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े, हर कोई जो है आ रहा है यहाँ पर बेहतरीन। तो चलो देखेंगे अपनी गाड़ी मिलती क्या नहीं अपने को आज। कल तो जल्दी टाइम पर मिली थी, आज भी टाइम पर मिलना, वही तो अल्लाह का करम है। दाल चावल गर्म है और हमेशा की तरह अपने माड़ी भाई के दुकान पर भी कर दिए माशाल्लाह। तो चलो देखेंगे क्या होता। माड़ी भाई चल रहा क्या मीना बाजार? माशाल्लाह कैसा चले सब? अच्छा चले। गर्दी है? चांद रात तक रहेंगे कहते? शुक्रिया, सब अच्छा है। तो फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस ब्लॉग को आखिर तक देखने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से आज का दिन गया, जैसे मैं पहले भी कहा, लेकिन थोड़ा धूप और गर्मी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और वैसे में लाइट भी बंद चालू हो रही थी। बुधवार का दिन था ना, तो ऊपर वाले की फसल से अच्छे तरीके से वेला सब कुछ, बहुत ज़्यादा काम हुआ, ज़्यादा गिरेक नहीं था, उतना डिसेंट गिरेक था। इंशाल्लाह जुम्मा तक अपना काम रहेगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा संडे तक जो है अपना काम रहेगा मामू के यहाँ। तो देखेंगे कैसा क्या होता है क्या नहीं, ऊपर वाली की मर्जी है जो कुछ भी है। तो अगर आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बताओ और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।